चले जी, आप जो है अपना जहाँ पे हमने जाना है इमरजेंसी तौर पर, वहाँ पे हम जा रहे हैं। की में जा रहे हैं तो आपको दिखाऊं गाड़ी जो है वो देखें ऑलरेडी तैयार खड़ी है और मैडम जो है अभी चेंज कर रही हैं। देखिए, ये आपको बाद में पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है, फजल है जी। और शहबाज साहब आप सुनाए। काम किया है, इधर मैं आया हूँ, लस्सी की बाल्टी थी। हाँ। तो लस्सी जो है मैंने पा ली है। अच्छा किया है क्योंकि अपना घर है ना जी। माशाल्लाह, मेहमान जो है अपना जो खाना पीना वो कर। आप इनको घर का विजिट कराए हैं, इनके भी लोग में। हाँ जी जरूर। हाँ जी, पानी नहीं डालो इसमें, ये देखें ये गर्म किया है ना। हाँ जी, पानी जमा। अब ये चाय भी बन रही है और मेरी भी आ चुकी है। ये नाना वो की चाय है और ये पापे। अभी जो मम्मी लस्सी बना रही है। हाँ जी, लस्सी बना रही हूँ। और एहसान जो है ना आज वक्त ही टाइम से उठ गया है। कैसे हो? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। आप लोग की दुआएं हैं, अल्लाह पाक का करम है, सब ठीक ठाक है। तो सुबह का टाइम है, सुबह की रूटीन जो है हमारी शुरू होती है और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो जो है बहुत अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है। और जो है सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं, आज जुमतुल मुबारक का दिन है। मेरी तरफ से और एहसान की तरफ से सब लोगों को जुमतुल मुबारक, जुमे की मुबारक बात हो। माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है ना इस नेक दिन के सदके तमाम देखने वालों की परेशानियां मुसीबतें दूर फरमाए, आमीन। माशाल्लाह, अबू जान भी आ चुके हैं, दो तीन दिन हो चुके थे, अब आपको याद कर रही थी मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? घर में सब ठीक हैं? चलो बैठो, नाश्ता बन रहा है। नाश्ता है चाय और पापे का, वो भी आपने करना है और मैं लस्सी बना लूं। हाँ, लस्सी भी पीनी है। नहीं नहीं मत करो, चलो चलो लस्सी बना लें। जैनब, मेहरान नहा रहा है, आप अपनी वर्दी ले आओ, नहा लो, तैयार हो जाओ, फिर सज जाना है स्कूल के लिए। आज मस्जिद की तो छुट्टी थी तो ये बर्तन वगैरह जो है मैं इकट्ठे करके ले आई हूँ लस्सी बनाने के लिए। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह का टाइम, आज तो मेरे नसीब खुल गए। हाँ जी, हमने कहा जाएं देखें क्या कुछ बन रहा है और क्या कुछ रहता है। हाँ जी, बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ बन चुका है। और अपना सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह। मैं आई थी वो कपड़े लेने। हाँ, वो आपके ना कल के उधर इकट्ठे होके खड़े हैं। कल मैंने कल लेने जाती हूँ, फिर वो मिस्त्री आ गए, फिर टाइम नहीं लगा लेने का। चलो, बच्चों को तैयार करना है ना। हाँ जी ठीक है, ओके हो गया। अभी जो मम्मी लस्सी बना रही है। हाँ जी, लस्सी बना रही हूँ और एहसान जो है ना आज वक्त ही टाइम से उठ गया है। हाँ जी, तो इनकी वही बात होती है कि मम्मा ने मुझे उठा के बस बैठ ही रहे अपनी गोदी में। हाँ जी, तो इसलिए ये भी बैठा है मेरे साथ साथ, लस्सी बनवा रहा है और चाय जो है अभी चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। हाँ जी, चाय बन जाएगी तो फिर एहसान खाएगा, खा पी कर फिर खेलेगा, अभी इनको भूख लगी है ना। हाँ जी, तो इसलिए ये कहता है बस मुझे उठा के बैठो। हाँ जी, अभी ये चाय भी बन रही है और मेरी भी आ चुकी है। ये नाना वो की चाय है और ये पापे। अब खाएं। खा रहा हूँ।
चलो ठीक। अभी जो है अम्मी रोटी बना रही है। हाँ जी रोटी बना रही हूँ, लेट हो रही है आपको। हाँ जी तो अभी बहन अब ये देखें टिफिन उठा के बैठी है। हाँ जी सारा ओए पानी नहीं डालो इसमें, ये देखें ये गरम किया है ना। हाँ जी पानी जमा हो गया। ये जो है ना हमने रात को बनाया था आलू पालक का सालन। हाँ जी जैना बाबू टिफिन में डाल दी, तेल से डालना ठीक है। तो रोटी बना दूँ आपको, आप लोग जो है टाइम से चले जाना। आज वैसे जुम्मा है। हाँ जी टाइम से छुट्टी तो हो जाएगी। हाँ जी आप खाना नहीं साथ लेकर जा रहे? हाजरा भी हमारे साथ है, दिखाओ। हाजरा कह रही है कि आज ना मैं खाना नहीं लेकर जा रही। खाना नहीं लेके जा रही? चला जाए। हाँ जैनब ये मेरे भी सालन डाल दे। ये ना आटे में घुस जाती है वो कीड़िया। हाँ जी जिसको हम चूटियां बोलते हैं। हाँ वो आ जाती हैं, छन्नी से भी निकल जाती है। चलो मैं रोटी आपकी बना लूँ। ठीक है मेहमान जो है हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है समीना? ठीक ठाक। बच्चे ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अपना सुनाओ। बस ठीक, तबीयत सियत सेट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। घर में बच्चे बड़े सब ठीक हैं? और हमने ऐसा काम किया है, इधर मैं आया हूँ लस्सी की बाल्टी थी तो लस्सी जो है मैंने पा ली है। अच्छा किया है क्योंकि अपना घर है ना। हाँ। जो है मैं इधर ऐसी बात नहीं सोचता, जिसके घर भी जाता हूँ ना कोई। हाँ। खाने पीने की हो तो ले लेता हूँ, खाना पीना शुरू कर देता हूँ। सही है। और माशाल्लाह चाय भी अम्मी को दे दिया पी। जिसको चाय किया ना। हाँ। तो और जो पी रहा था फिर इनको भी दे दिया, क्योंकि ये नौजवान है इसको लस्सी की जरूरत है। हाँ जी तो ये बुजुर्ग आदमी है, बीमार रहती है हर वक्त, इसको चाय की जरूरत है। हाँ जी गर्म चीजें जितना खाए इनके फायदे में है। ठंडी चीज कोई, काल मैंने वो गलती से जो है ना पानी पिलाया है ठंडा उधर हेड पे। जी जी तो दो घूंट भरे हैं अम्मी ने तो उसके बाद जो है। वालेकुम सलाम। ठीक है अस्सलाम। उधर क्या हाल है? ठीक है तबीयत ठीक है? अभी जा रहा है तो लस्सी पीनी है। लस्सी लस्सी मैं पी चुका हूँ, मैं सुबह उठते ही खाली पेट दो तीन गिलास लस्सी। मैंने आपको बताया नहीं है कि हम जो है ना लस्सी पे जी रहे हैं, रोटी चाय मिले ना मिले बस आदत सी बन चुकी है। लस्सी मिल जाए सुबह सुबह के। चलो बेटा जल्दी से दवाई लेकर आनी है, जो चीज ना मिले उनको कहना कि इकट्ठी करके हमें दे, अबू कह रहा है। ठीक हो गया? चलो जी माशाल्लाह मेहमान जो है अपना जो खाना पीना वो कर। हाँ जी जरूर, मैं ना कल को इनवाइट कल इनके वो अकरम भाई के यहाँ आए थे ना उधर गई थी, मैं इनको इनवाइट किया है कि आज जो मेरे घर का विजिट करें, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। हाँ जी तो कल जो है ना उस टाइम आए थे। हाँ थके हुए थे, शाम भी हो गई थी, शाम भी हो गई थी तो सुबह माशाल्लाह आ गए हैं। हाँ। घर का विजिट भी इंशाल्लाह मैंने किया है और अकेले में किया है ना, अकेले में किया है। लेकिन अम्मी ने जो है ना बन रहे थे आपके घर, माशाल्लाह आप तो तैयार हो गए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह का दिल कर रहा है कि घर का जो है विजिट करना। हाँ जी ऊपर भी, ऊपर वाले मकान भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं सारा कुछ, और असलम भाई की छत भी देख रहे हैं, और मिस्त्री। हाँ। अभी अम्मी मुझे क्या कह रही थी आपको पता है? क्या कह रही थी? कह रही थी कि जल्दी से मुझे चाय दो, चाय पी के मैंने अभी जाना है स्कूल का टाइम हो चुका है, बैग उन्होंने उठाया हुआ। वो कह रही है मेरी इंग्लिश ना थोड़ी सी कमजोर है तो बहन भाइयों के साथ मैं बातचीत नहीं कर रही। मुझे तो लगता है आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, उर्दू भी कमजोर है। ये
उर्दू में सराइकी मिक्स थी ये पंजाबी भी मिक्स हो जाता है। हाँ, सब कुछ जो इकट्ठा ये रट्टा लगा हुआ है ना, ठीक है ना। हमारे हाँ, जो भी हमारे देखने वाले बहन भाई हैं, कोई पंजाबी होता है, कोई सराइकी होता है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो सब बातें जो है हम भी करते हैं, हर किसी को समझ आ जाए। हाँ, सराइकी भी है, देखते हैं हमारे बहुत सारे बहन भाई, तो अम्मी जो है सराइकी भी बोलती है और पंजाबी भी बोलते हैं। कल हेड पे जो है ना, अम्मी ने कहा है माशाल्लाह मेनू चंगा लगा है। काफी दिन बाद वो बाहर घूमने फिरने आई, तो फिर वो उसका दिल कर रहा था कि मैं चंगा लगा। बात करता है जो है ना, मैं बाइक पर आया हूँ ताकि अम्मी जो है माहौल देख, बात को तो पता नहीं चलता ना। सही, तो माशाल्लाह अम्मी ने जो है कल बहुत इंजॉय किया है माशाल्लाह। एहसान को क्यों रुला रहे हो? इनको पता भी लगा है कि सफर जो है कितना ज्यादा है, पता नहीं लगता। और लेकिन मैंने भी सफर की जो है तकलीफ नहीं दी, क्योंकि जगह जगह पे जो है ना मैं रुक जाता था, जब अम्मी सही। और माशाल्लाह अम्मी भी बहुत खुश थी, कह रही थी थकावट जो है वो नहीं हुई। ये सही कह रहा है, ये फरूख सही कह रहा है या झूठ बोल रहा है? सही बोल रहा है, सही। हाँ, अगर एक बार झूठ हो तो वो भी बोल आज इंग्लिश में बताओ फरूख की एस की बहुत ज्यादा एस में मोटा साइकिल को कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया है। सही, उनकी लस्सी बात और पंजाबी में जो है ना, असलम भाई इंग्लिश कह रहे हैं, आप पंजाबी में कुछ कह दो। नहीं कह दी, जबरदस्त माशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जो ये हमारे मतलब जो यूट्यूबर हैं, हाँ, तो काफी सारे हैं, जैसे वो है ना सदीक भाई, नहीं है? हाँ, सदीक भाई, उनकी अम्मी बोलती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दिया पुत्रो, कैसे हो? हाँ, अच्छा। उसके बाद अम्मी, हमारी अम्मी भी मिक्स कर देती है। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी कर देती है, हंसते हंसते ना हम पागल होने लग जाते हैं। ठीक है ना, हमारे प्यारे आपके ब्लॉग हो जाते हैं, आपके ब्लॉग ना हम इनके लिए देखते हैं, इनकी बात। हाँ, इनकी बात है, हमें बहुत अच्छी लगी। तो आप भी देखते हैं और बाकी जो सब बहन भाई हैं वो भी अम्मी की वजह से देखते हैं। और कमेंट्स में मुझे बताते हैं कि आपकी अम्मी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती है, हंसती रहा करो ना। नहीं, सीरियस तब होती है जब बीमार हो जाती है, लेकिन हंसती रहती है जब बीमार हो जाए। ठीक है, जैसे ना ये ना आप बहुत मजाकिया हैं, हमें पता है, तो जैसे कैमरा बंद होता है आप जैसे मजाकें करती है, हंसती रहती है, बच्चों को हंसाती रहती है, कैमरे भी ऐसे किया करो, कैमरा जब ऑन हो तो ऐसी ऐसी बस आउट पटांगे कर दिया करो। कैमरा जो है मुझे देख आए, देखने दो कैमरे को, हाँ, देखे आप अपनी जो है ना खुश हो, जो लाइफ है ना जैसे गुजर रही है वैसे ही वैसे ही वैसे ही शेयर करो। अच्छा, आपने तैयारी बना ली? हाँ, अभी बनानी है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अभी बख्तावर का कर लेंगे ना, फिर तसल्ली हो जाएगी, फिर सुकून से तैयारी पकड़ लेंगे, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बस आपने फ्रेश होना है और मैंने चक्की से आटा लेना है। दाने आपके पड़े हैं उधर, छोड़ा है मेरे। हाँ, हमारा भी आटा खत्म है। साहिबा मैडम की कॉल आ रही है, मैं सुन लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, तबीयत सेहत ठीक है? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम शुक्र और ज़ात पाक का एहसान है। हमें जो है इमरजेंसी कहीं पे जाना पड़ रहा है, तो हम जल्दी से तैयारी करके जा रहे हैं। बेगम गए, दो बच्चे भी हैं, मैं भी और मोहम्मद असलम खान भी है, क्योंकि गाड़ी उसकी में जा रहे हैं। तो आपको दिखाऊँ गाड़ी जो है वो देखें ऑलरेडी तैयार खड़ी है, और मैडम जो है अभी चेंज कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, जैसे ही तैयारी कर लेंगी तो मेरे फू चक्कर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये मजदूर का जो है मोटरसाइकिल खड़ा है, और इधर देखते हैं क्या काम हो रहा है, इनसे गपशप कर लेते हैं थोड़ी सी।
अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रहें, बात रहें, हमारे साथ जुड़े रहना है। हम कहाँ पे पहुँचेंगे ये आपको बाद में पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, तबीयत ठीक है? और साजी खैरियत है? ठीक है, आज माशाल्लाह ये छत शुरू हो गया। और जनाब छोटे उस्ताद किधर गए हमारे? ओ जनाब जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? और अपना शबाज शबाज साहब, अल्लाह का करम है, फजल है जी। और शबाज साहब आप सुनाए? ओ, ओ, ओ बड़े मसरूफ हुए पड़े हैं जनाब, माशाल्लाह डबल मेहनत करोगे डबल कमाई होगी। हाँ जी हाँ जी, ये जो जी आज छत जो है बरामदे वाली छत जो है वो कर रहे हैं, ये देखें मिसाल ऐसे फेंक रहे हैं जैसे मिसाल पे पैसे भी नहीं लगे। सारी खैर है, 70 की स्पीड में चल रहे हैं सर। जुमा है, अच्छा जुमे तक, जुमे से पहले पहले मतलब कर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया जी। ये तो हम तो हर वक्त खाते हैं। ये उस्ताद साहब सोए हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, उस्ताद बहुत माशाल्लाह अच्छे बंदे हैं, शरीफ लग रहे हैं, और इनका जो गंज है माशाल्लाह वो खूबसूरत लग रहा है। रेस्क्यू 1122 अली साहब और फियाज साहब बहुत तेजी में जो है काम में लगे हुए हैं। तो जी हम कहीं जा रहे हैं, यहाँ पे कितनों का काम निकाल दिया है उत्तर बख्तावर को, ड्रिप वगैरह लगाई थी तो उनको जाके चेक करते हैं ड्रिप वगैरह कितना चल गई है। एक छोटी ड्रिप थी वो तो चल गई थी, बाकी बड़ी लगाया था वो देखते हैं बड़ी जो है वो कितना चल चुकी है। और तबीयत का भी पूछते हैं कि दोबारा उल्टी वगैरह आई है या मच्छर वगैरह आया या नहीं आया, ये तसल्ली करते हैं। फिर अपने सफ़र को रवाना होंगे। मैं असलम खान के घर पहुंच चुका हूं, तो यहां पे पूछते हैं बख्तावर से क्या हाल है। बख्तावर जी, बख्तावर उल्टी तो नहीं आई? नहीं। मोशन तो नहीं आया? नहीं। कोई तबीयत पेट में दर्द तो नहीं है? नहीं। वो कुछ भी नहीं। चलो ताकत महसूस हो रही है? बोतल तो मुक्ति है, बोतल अभी हाफ रहती है, हाफ रहते हैं। ये ड्रेप फिर उतार दीजिएगा, वो जो पेन खड़ी है वो लगा दीजिएगा, बाकी जैसे आपको दवाई समझा दिया ना ऐसे ही पिलानी है, ठीक है? बाकी रहेगा सर आप फोन पे रब्ते पे रहना जी, अगर कोई चीज़ ज़रूरत हुई तो हम शाम को आते हुए ना लेके आएंगे, अगर तबीयत बिल्कुल बहाल हुई कोई चीज़ की ज़रूरत ना हुई तो फिर ओके हो जाएगी, वैसे ही ओके हो जाएगी, बस सेट हो जाएगी, ठीक हो गया। असलम खान जी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी करके आ गया हूँ, और वहाँ पे मैडम जो तैयारी कर रही हैं, और ढोला जो है चाबी लेके खड़ा है कि जल्दी करें मैं कार में बैठूं जल्दी। ढोले को बड़ी जल्दी है। हाँ ढोले, ढोलू चाचू क्या कहता है? जाना चाहोगे? मेरी जो कजन है और मेरी बेगम की जो कजन है, ठीक है, दोनों की कजन है, उसका बेटा जो है वो फौत हो गया था, तो उसकी जो है खैरात है उसके लिए, तो उनसे जो है खैरात अटेंड करने के लिए जा रहे हैं जतोई अलीपुर, तो अभी जा रहे हैं और चार बजे जो है खैरात है वो वहाँ से होके इंशाल्लाह ताला घर वापसी शाम तक इंशाल्लाह घर वापस पहुँच जाएंगे आपकी दुआओं से। चले जी आप जो है अपना जहाँ पे हमने जाना है इमरजेंसी तौर तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो लाजमी जाना है इसलिए लाजमी जा रहे हैं। और आपने क्या बोलना है? मैं यही बोलना है जो मुखलिस ने बोला है कि इमरजेंसी जो है हमने कहीं जाना है, हम जा रहे हैं, हमारे लिए आप लोग ने दुआएं करनी है बहुत सारी, हमारा सफ़र जो है आसान हो, आसान हो, और आज ही जाना है और आज ही वापस इंशाल्लाह काम पीछे निकले
पड़े हैं, इसलिए वापसी जाती है। तो जैसे ही जाएंगे, मैंने पहले क्लिप में बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके हो गया, यहाँ पे जी एंड होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।